तो हेलो गाइस, दिस इज विकास और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे दोबारा। सबसे पहले तो आप लोगों को मेरा नमस्कार। सो गाइस, आज का जो वीडियो है वो है सैतामा को लेके। सैतामा पहले ही लोगों को बर्बाद कर चुका है कि इसने अपना जो ऑल टाइम हाइट जो टच किया था, ये 2-0 तक तो इसने रीड करी थी, जहां पे इसमें 8-0 अभी वापस आपको देखने को मिल रही है। तो वहां से बिल्कुल डंप हो गया था कॉइन, काफी लोगों को लॉस हुआ था। अब इन्होंने एक नया पंगा स्टार्ट कर दिया है। पंगा ये स्टार्ट किया है, ये अपना वर्जन 2 लेके आने वाले हैं और ये कह रहे हैं कि सैतामा अब मीम कॉइन नहीं रहा, सैतामा अब एक कॉइन बनेगा। पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं लोग, काफी इनकी अपडेट आई है सैतामा वालों की। तो गाइस यार, मुझे पता है गुस्सा क्या आता है इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर। यार पहले तो इन्होंने सैटा मास निकाला जो फेल हो गया, फिर सैटा रियलिटी नाम से भी कुछ निकाले थे वो भी इनका नहीं चला। मतलब जो भी प्रोजेक्ट इन्होंने निकाले वहां पे कोई ना कोई दिक्कत हमेशा रही है। कोई भी यहाँ पे प्रॉपरली किसी भी प्रोजेक्ट ने वर्क नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग क्या है, पहले अनाउंसमेंट कर देते हैं प्रोजेक्ट, जब तक प्रॉपरली आप प्रोजेक्ट को, अब जैसे शिबा इनू है, उसने अभी तक अपनी ब्लॉकचेन रिलीज नहीं करी, इतना टाइम हो गया। मतलब वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं ब्लॉकचेन पे, पूरी टेस्टिंग कर रहे हैं। मतलब बिना टेस्टिंग करे, बिना कुछ करे, आपको कोई भी अपने प्रोजेक्ट को रिलीज नहीं करना चाहिए पब्लिक के पास, क्योंकि पब्लिक डिसाइड करती है कि यार वो फेल होने वाला है या आगे बढ़ने वाला है, ठीक है। तो इसलिए यार इन्होंने इतनी जल्दबाजी करके सारे प्रोजेक्ट्स को रिलीज करा, ये सब किया और सारे फेल प्रोजेक्ट्स इनके रहे थे सैतामा के, ठीक है। हालांकि अभी अभी लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इनका वर्जन 1 से वर्जन 2 में आने वाले हैं और अपनी मीम कॉइन नहीं रहा है ये सैतामा। तो गाइज ये यार बड़ी चीज है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, इसको कम कर रहे हैं कभी ये। तो यार मुझे बहुत गुस्सा आता है चीज हो। पहले तो तुम लोग सप्लाई लेके क्यों आते हो, है या तो तुम पहले से कम सप्लाई रखा करो, ठीक है, या तो तुम यार सप्लाई को इतनी ज्यादा लेके क्यों आते हो। पहले तो सप्लाई, मतलब इनका फंडा ये है कि पहले तो लोग पता क्या करते हैं यार, स्कैम का कॉइन्स, ये टोकन जो है इनको स्कैम ऐसा करने की कोशिश करें लोग बागे, पहले तो सप्लाई को बहुत ज्यादा रख लेते हैं, ठीक है। फिर उससे क्या है, सस्ता टोकन मिलता है तो पब्लिक इसमें 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 डॉलर लगा देती है, तो उससे क्या है होल्डर्स बहुत सारे बन जाते हैं। तो टोकन जैसे फिर बाद में होल्डर्स बन गए, सब कुछ हो गए, बाद में टोकन को डंप या करते रहते हैं और बाद में क्या होता है, फिर ये वर्जन 2 के अंदर चले जाते हैं, जैसे वोल्ट ने किया था ना। वोल्ट इन्होंने भाई वर्जन 1 निकाला ही क्यों था, जब वर्जन 2 में जाना था तो पहले से डिसाइड करके रखते। तो यार पहले आप अपने प्रोजेक्ट को निकाल रहे हो, तरीके से तो निकालो, कम से कम सोचो थोड़ी यार मैं क्या सप्लाई दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कोई सोच समझ के तो आपने डिसीजन लिया होगा ना उस समय जब आपने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, ठीक है गाइस। तो ये जितने भी जो क्रिप्टो कंपनीज है बड़ी बड़ी हैं, जहां पे जब अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, उनको पहले सोच समझ के अपना प्रोजेक्ट को लॉन्च करना चाहिए और सप्लाई रखनी चाहिए। अब शिबा इनू कोई वर्जन 2 में नहीं जाने वाला, वो अपनी सप्लाई को ही बर्न करने में लग रहा है, तो वो एक अच्छी चीज है, ठीक है गाइस। शिबा इनू की सप्लाई ज्यादा है तो यहाँ पर सप्लाई को बर्न करने में लगा है वो, ठीक है। और जो शिबनूबी है वो भी मुझे अच्छा टोकन लगता है, उन्होंने भी ये कहा कि हम लोग वर्जन 2 को कुछ भी निकालने नहीं वाले हैं, यहाँ पे माइग्रेशन वाइग्रेशन वो भी लोग कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि यार भले 14-0 हो यहाँ पे, मान लो आपके पास $100 आपने इन्वेस्ट किए, 14-0 है यहाँ पे, 3-0 डिलीट हुए तो आपके $1 लाख बन गए, बात तो एक ही पड़ गई ना, बात में तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ा। अब सैतामा की चलो मैं अपडेट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, अपडेट इनकी क्या क्या आई है सैतामा इनकी। सो गाइज यहाँ पे देखो, सैतामा का ऑफिशियल अकाउंट मैंने खोल रखा है, 388,000 फॉलोअर्स है इनके। अब यहाँ पे नया ड्रामा है, वी आर ऑफिशियली रिनेमिंग अवर प्रोफाइल टू वी आर सैतामा, ठीक है। ऑलरेडी यार मैं भी लॉस में चला गया था इसको लेके, तो मेरे को तो नहीं रखा, मैं तो बेच बुचा के निकल गया था बहुत पहले। सो गाइस यहाँ पे देखो, तो ज्यादा टोकन मेरे पास थे भी नहीं, तो मुझे कोई थोड़ा बहुत ही लॉस हुआ था, ज्यादा नहीं, तो मैं निकल गया था, मैंने कहीं और इन्वेस्ट कर लिया था। सो गाइस यहाँ पे देखो, ये लोग बोल रहे हैं वी आर सैतामा, ठीक है, वी आर नॉट मीम, वी आर अ मूवमेंट एंड वी आर सैतामा। अरे क्या मीम कॉइन नहीं हो यार, जब मीम कॉइन हो तो कम से कम प्रॉपर तरीके से तो काम करते। यहाँ पे अभी ये बोल रहे हैं सैतामा वर्जन 2 टोकन काउंट यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे मतलब इतने टोकन होंगे, अगर 1, 2, 3, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 को अरब, मतलब 2500 करोड़ टोकन आपके पास हैं, तो आपके वो टोकन वर्जन 2 में 25,000 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने बताई था, कन्वर्सेशन फैक्टर इज 1 लाख टू द टोकन काउंट, यहाँ पे 10 लाख, मतलब 1, 2, 3, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख, मतलब 10 लाख टोकन अगर आपके पास हैं तो वहां पे काउंट होगा वर्जन 2 के अंदर वो, ठीक है। तो ये वर्जन 2 आने वाला है, वर्जन 2 व्हाट्सएप सैतामा बोल फॉर द ट्रांजेक्शन प्रोसेस ऑफ वर्जन 2 कैलकुलेटिंग यूजिंग, ठीक है, ये सब चीजें हैं, गेटिंग अस रेडी इन द फ्यूचर। तो ये सब चीजें हो रही हैं यहाँ पे वर्जन 2 को लेके गाइस। तो अब सैतामा का नया वर्जन 2 आने वाला, अब देखते हैं भैया ये कामयाब होता है या फेल होता है, ठीक है। सैतामा गैब्रू वर्जन 2 आई ट्रेवल ऑलमोस्ट 36 आवर, ये देखो ये सारी चीजें हो रही हैं। अब यार चीजें ये हैं कि यार ये लोग पहले तो कॉइन निकाल देते हैं, इसमें सप्लाई करते हैं, फिर उसको वर्जन 2 में कन्वर्ट करते हैं। अब यहां पे देखते हैं स्टेटमेंट में क्या क्या है।
प्लान फॉर स्मूथ माइग्रेशन टू अपग्रेडेड कॉन्टेक्ट जस्ट अनाउंस बाय अवर देश वर्जन 2 नो द रीजन वाई द न्यू सिस्टम टोकन विल मेक द प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग एंड मोर स्टेबल एडिट सिक्योरिटी फिट टू फेस द फ्यूचर सस्टेनेबल बिजनेस सिक्स फ्रेंडली हॉट आर बर्न मीम और नो मीम नो मोर मीम नहीं रहेगा सबसे बड़ी चीज तो ये कह रहे हैं लोग फुल सपोर्ट फॉर होल्डर सतामा होल्डर विल नॉट लॉस टोकन्स और वैल्यू एंड हाँ ये चीज अच्छी है चलो यहाँ पे जो भी आपके जो होल्डर्स हैं वो लोग कोई भी इसकी वैल्यू को लॉस नहीं करेंगे ठीक है माइग्रेशन के टाइम पे जो भी आपको वैल्यू है वो मिल जाएगी और टोकन इकोनॉमिक 5% टैक्स बर्न 1.2% प्रोजेक्ट फाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन लिक्विडिटी 1% ये सारी चीजें आप देख सकते हो ठीक है और तो ये सारी अपडेट थी इस टोकन को लेके गाइस तो ये नया वर्जन 2 आने वाला है और इनकी एएमए भी आने वाली है यहाँ पे वो भी आप देख लेना यार एएमए अभी यहाँ पे कब आएगी शायद एएमए हो चुकी है मुझे याद नहीं है तो आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना तो ये सारी अपडेट थी इस टोकन को लेके तो अगर वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक करें सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच गाइस दिस इज द कास्ट सपोर्ट कर दिया करो लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करा करो यार प्लीज सब्सक्राइब अस